प्रकार की अकाल्पनिक क्रिया कृत की। ये क्या किया मैंने? दीदी बिल्कुल ठीक किया मैंने, जब कुकर में सीटी लगनी बंद हो जाती है तो रबर बदलनी पड़ती है। अरे भाभी कहा कुकर कहा सीटी कहा रबर क्या? अरे मेरे कहने का मतलब ये है, जब दीदी मेरी बात मान ही नहीं रही थी तो मुझे गाँव से मामा जी को बुलाना ही पड़ा ना। और दीदी मामा जी आ रहे हैं वो भी बंदूक लेके। अरे हरतालिका तीज पे बहू के यहाँ से तीज आती है, तेरे यहाँ से ये लोग आ रहे वो भी बंदूक लेके। मैया आप चिंतित ना हो, प्रातः स्वयं ही अपने पिताश्री तुल्य माताश्री के भ्राता मामाश्री को इस विपदा कारक स्थिति का पूर्ण विवरण प्रकाशन अवश्य प्रदान करेगी। मैं बताती हूँ, प्रार्थना कह रही है रबड़ी फलूदा खा के मामा जी का गुस्सा शांत हो जाता है, ऐसा कह रही है भोली की दीदी। भोली आप लोग चिंता ना करें, दीदी खुद मामा जी को समझा देंगी, कह रही है दीदी। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने दीदी पे क्या जादू किया है, पर जो भी है मैं और दीदी मामा जी के साथ गांव जाके रहेंगे, कह रही हूँ मैं। शंभू भोली भाभी। लेकिन प्रार्थना जी आप अपने मामा जी को समझाएंगी कैसे? उनको भी तो भोलेनाथ ने हमारी शादी के बारे में बुलवा दिया होगा, जैसे प्रतिभा जी के माता पिता को बुला दिया। मेसी उसे तो शोर हा? लेकिन कन्हैया ये भी तो हो सकता है कि मामा जी को सब कुछ याद हो, क्योंकि प्रार्थना अभी तक कुछ नहीं भूली। हमको कुंती देवी से ऐसा उम्मीद नहीं था, हमारी भांजियों को ससुराल में परेशान कर रही हैं। बोलो बोलो अजी बोलो बोलो। जो पावन था भगवान के जैसा, नाम था उसका शाम के जैसा। अरे क्या कह रही हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे हम यही कह रहे हैं, वो जो कन्हैया है ना वो तो बिल्कुल राम के जैसा शरीफ लगता था, अब आबू से क्या हो गया जो पंजरी को फोन करके हमें बुलाना पड़ गया। तुम फिक्र मत करो, आज मैं सबका अकल ठिकाने लगा दूंगा। हाँ लल्ला हो सकता है उन्हें सब याद हो, हम उन्हें समझा देंगे कि पंजीरी भोलेनाथ के वरदान के चलते सब भूल गई है। हाँ और हो सकता है कि अगर मामा जी समझाएं तो पंजीरी अपनी गांव जाने की जिद छोड़ दे। अरे भैया जब दीदी ना समझा पाए भोली को तो मामा जी आके कौन सा तीर मार लेंगे, लेकिन अगर उनकी सटक गई ना तो गोली जरूर मार लेंगे। लल्ला तो दामाद जी से पता कर कि वहाँ प्रतिभा के घर में क्या हो रहा है। अलख निरंजन अलख निरंजन आपकी पुत्री सही कह रही है जजमान, इसका विवाह अभी मत कीजिए। अरे महाराज माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? प्रताप तपापा महाप्रतापी महाज्ञानी श्री 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 जीजानंद बापू महाराज। जीजा ननद बापू? जीजा ननद नहीं जीजा नंद बापू। अब क्षमा करना बापू महाराज, आपके बारे में कभी सुना नहीं है। हम क्या सोनू निगम के गाना है जो बैठे बैठे सुन लोगे ना, हम तो परम ज्ञानी बाबा हैं, अपने भक्तों के दिल में रहते हैं। एक मिनट आपको कहीं देखा है मैंने? देखा होगा कुसुम को पैर दबाते हुए। हाँ? मेरे भक्तों को चरणों में पड़े हुए देखा होगा, आते जाते रोक लेते हैं बाबा रुक जाइए, वहीं देख लिया होगा आपने। तो जजमान जेजानंद बाबा के वाणी का मोल करो, अपनी पुत्री का विवाह अभी मत करो, क्योंकि पुत्री की मस्तिष्क की रेखा बता रही है ये बहुत दूर तक जाएगी। हाँ जी हाँ जी महाराज, लड़का ग्वालियर का है। नहीं नहीं पुत्री ये नहीं, जेजानंद बाबा के कहने का तात्पर्य है कि आपके पुत्री की कुंडली में सूर्य करवट ले रहा है, बुध पांचवें ग्रह पे है, शुक्र छठे स्थान पे बैठा है, मंगल और शुक्र नजर गड़ा है आपकी पुत्री पे। अच्छा मतलब महाराज? मतलब तो हमें भी नहीं पता। अब आप जानकर क्या करोगी? क्या? आपकी पुत्री पे जनी का छाया है, उसका विवाह होते ही इसके सर से सास की छाया उठ जाएगी।
मतलब बढ़िया निकल लेगी। महाराज बैठिए। इसका विवाह हुआ तो इसकी सास का छाया के साथ साथ इसके माँ बाप का छाया भी इसके सर से हट जाएगा। वरमाला की जगह पे आपके फोटो पे माला होगा। आप जीजानंद बाबा की बातों पे गौर करिए। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? सतर्क कर रहा हूँ, कन्या की शादी से होने वाले खतरों से सतर्क कर रहा हूँ आपको। भूल जाओ ग्वालियर का लड़का, भूल जाओ सामूहिक विवाह। क्या समझे? समझ गए? समझी पुत्री? समझ गए महाराज। जी 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 महाराज, जी महाराज। तो बोलो जयकारा सासू माँ माता रानी की। अच्छा बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। कहीं तो देखा है मैंने। भाई आप क्या करेंगे? पंजीरी, पंजीरी, पंजीरी। लो इनके तो मामा जी आ गए। भैया आप ना अपने जूते के फीते कस के बांध के रखना, सबसे पहले आपको ही भागना पड़ेगा ना। मामा जी, मामा जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी। बच्चे तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? सिंदूर? जी नमस्ते मामा जी। मामा जी दामाद जी हम ही कह सुन रहे हैं। ओ भाभी इनके दिमाग की बैटरी कुल नहीं हुई, इन्हें याद है। हाँ, बोला था ना। हाँ। अपनी भांजियों को पलकों पे बिठाया था हमने। हाँ, और भैया को बोरी में डाल के कंधों पे उठाया था। हमारे गांव में पकड़वा शादी का रिवाज है, अपने फूल सी बच्चियों को सौंपा था तुम्हें कि तुम नाजों से रखोगे, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि पंजीरी अब गांव वापस जाने के लिए बोल रही है। क्यों? नहीं 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 मामा जी बात सुनिए, आप बैठिए ना, मैं आपको सब समझाता हूँ। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। मैं आपको समझाता हूँ ना, आइए बैठिए। मामा जी आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप इनको जानते हैं? कहीं दीदी की तरह इन लोगों ने आप पे भी जादू तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं मामा जी आप इनकी बातों में मत आना। पिताश्री तुल्य माताश्री भ्राता, मश्री बहुताय से बहुताय क्रोधपूर्ण स्थिति में प्रतीत हो रहे हैं। मैया, मैया, ए परी जल्दी ला दवाई, सर दर्द से फटा जा रहा है। मम्मी जी ये लीजिए दवाई। दवाई तो ले आई लेकिन पानी कहाँ है? पानी? मम्मी जी आप ही तो कहती है ना कि दूध में पानी नहीं डालना चाहिए, वरना उसकी ताकत कम हो जाती है। तो अगर आप दवाई पानी के साथ लेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा ना। अरे तू पहले अपनी अकल पे पानी डाल जिस पर इतनी धूल जमी है। मैया, मैया। अरे का हुआ बहू? मैया हमारे पिताश्री तुल्य माताश्री के भ्राताश्री अर्थात हमारे मामा श्री का निकेतन नागमन क्रियावंत हुआ है। मैं समझ गई, इनके मामा जी का क्रियाक्रम होने वाला है। मैया हमारे पिताश्री तुल्य माताश्री के भ्राताश्री अर्थात हमारे मामाश्री का निकेतन निकेतन में आगमन क्रियावंत हुआ है। वस्तुतः वह बहुत ऐसे बहुत क्रोधपूर्ण स्थितिग्रस्त है, कदाचित तीव्र गति से प्रस्थान करे। क्या करे? मैं समझ गई, इनके मामा जी की धोती में आग लग गई है। शिव शंभू। अरे क्या करे, सर दर्द से फटा जा रहा है, पहले गोली लेने दे। मैया चिकित्सा औषधि नियंत्रण अत्यावश्यक निषेध, कदाचित वर्तमान स्थिति में त्रुटिपूर्ण स्थिति नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मैया कृपा करके आप तीव्र गति से प्रस्थान करें। अरे कुछ समझ आए तो करे ना, पानी कहाँ है? तालाब में। का? मैया 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 कृपा करके आप तीव्र गति से प्रस्थान करें, वस्तुतः त्रुटिपूर्ण स्थिति नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कदाचित हमारे पिताश्री तुल्य माताश्री के भ्राताश्री अत्यंत क्रोधपूर्ण स्थितिग्रस्त है। मैया मैया अत्यंत क्रोधपूर्ण स्थितिग्रस्त है। अब तो पक्का समझ गई, इनके मामा जी उड़ने वाले हैं। चुप कर,
सरदर्द से फटा जा रहे, उसमें से तू खा ले। इतनी पूजा पाठ मंत्र पढ़ पढ़ के ऐसी हो गई है कि हिंदी में एक शब्द भी बोला जाता। ऐसी पूजा पाठ करने का क्या फायदा? ऐसी पूजा पाठ करने का क्या फायदा? ऐसी पूजा पाठ करने का क्या फायदा? बहु रानी, ये भी सब भूल गई का? हरिओम गोली। मामा जी अब गोली मत चलाइए। देखिए बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, बात कुछ और है। आप बैठिए, मैं आपको सब बताऊंगा आपको, बैठिए। हम लोग यहाँ आए कैसे हैं? और तुम हो कौन? कौन? अब मामा जी, मैं कन्हैया, आपका दामाद। दामाद? कौन दामाद? अच्छा, बंदूक देख के रिश्तेदारी बना रहे हो हमसे? पंजीरी बिटिया, तुम यहां कैसे आई और कौन है ये सब लोग? हरिओम, पिताश्री तुल्य माताश्री भ्राता मामाश्री एवं माताश्री तुल्य मामीश्री प्रणाम, शत-शत प्रणाम, आपका आगमन शुभ है। बेटा, मंगलसूत्र, सिंदूर। हरिओम। प्रार्थना जी, समझाइए ना मामा जी को कि वो पंजीरी को ना लेके जाएं। आप तो जानती हैं कि सब भोले के वरदान के चलते हो रहा है। बोलिए ना मामा जी को, बोलिए। क्षमा याचना, परंतु आप उतर गया सीढ़ी पे, जो इन लोगों ने जादू किया था, उतर गया। प्रार्थना जी, देखिए ना मामा जी कितने गुस्से में, बताइए ना इन्हें कि द्वितीय क्षमा याचना, परंतु आपका परिचय माफ करना, पर आप हैं कौन? पूछ रही है दीदी। माँ जी, कहाँ भैया? प्रार्थना भाभी भी सब भूल गई का? भोली भोली व्याख्यान करें किस कारणवश हमने इन अपरिचित जनों के निकेतन में आगमन कृत किया? हम यहाँ कैसे आए? दीदी, यही तो मैं कब से आपसे पूछ रही थी, लेकिन आप खुद को यहाँ की बहू हो कह के मुझे भी रोक रही थी। पर अच्छा हुआ आपको सब याद आ गया कि हम इन्हें नहीं जानते हैं। इसे याद आना नहीं, भूलना कहते हैं बहू। देखिए बहन जी, देखिए, होली मनाइए, दिवाली मनाइए, आने वाली हड़तालिका तीज का त्योहार मनाइए, लेकिन हमारी भांजियों को अपनी बहू ना बनाइए, समझे? कितनी बार कहा है तुमसे, जब देखो तब टीवी के आगे सावधान इंडिया देखती रहती हो, भांजियों को नहीं संभाला जाता। आप भी बोलो, बोला जी, बोलो 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 बोला जी, बोलो बोलो। मुझे को कैसे गई थी? अभी आ रही हूँ, और बगल वाली सुशीला की घर जा रही हूँ, फिर दो दिन बाद वापस आ रही है। बोलो जी, आज बोलो बोलो। क्या कह रही हूँ, हम समझ नहीं रहे। मैं ये कह रही हूँ, तुम दोनों तो कह कर गई थी सुशीला की घर जा रही हो, वहाँ से यहाँ कैसे आ गई? वही तो याद नहीं है मामी,
यथार्थ माता श्री तुल्य मामी श्री, वस्तुतः हम भी भगनिया अपने निकेतन के प्रतिगमन पथ पर स्थित उसी जल कुपक के निकट अर्पित मिष्ठान ग्रहण करने में व्यस्त थी। हाँ मामी, हम दोनों तो लौटते वक्त कुएं के पास बर्फी खाने लगे थे। कह रही हैं दीदी, पता नहीं यहाँ कैसे आ गए। इसका मतलब ये हमारी भांजियों को अगवा करके लाया है। नहीं, नहीं। बल्लो जी, बाबूजी धर लो इन सबको। अरे मामा जी कब, अरे कब, ये बात तो सुनिए हमारी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे हम कन्हैया दामाद आपके। इन सब का फैसला गांव जाकर करेंगे। भाई साहब, हम क्यों अगवा करेंगे अपनी बहुओं को? मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना हमें, ले चलो सबको। मामा जी, मामा जी रहने दीजिए, शायद इन माता जी को कोई दिमाग की बीमारी है। इनकी कोई बहू इन्हें छोड़ के चली गई है, इसलिए सदमे में है। इसलिए दीदी और मुझे कुछ दिन के लिए रख लिया, पर वैसे भले लोग ही हैं। और हमें क्या, आप आ गए, हम मिल गए, अब हम अपने गांव चलते हैं। इन्हें रहने दीजिए। ठीक है पंजीरी बिटिया, तुम कह रही हो तो छोड़ देते हैं। बल्लो चलो। भाई साहब, मेरी बहुओं को कहीं मत लेके जाइए, मेरी बात सुनिए। क्षमा याचना माताश्री, किंतु हम द्वि भगनियों का पाणी ग्रहण संस्कार विधि अभी पूर्ण रूप से शेष है। मम्मी जी, इस बार तो मैं पक्का पक्का समझ गई। प्रार्थना कह रही है कि मामा जी को आखिरी बार पानी पिला ही दीजिए। माफ करना माता जी, पर हम दोनों बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। कह रही है दीदी, और मुझे भी माफ करना माता जी, अगर मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की हो। वो क्या है ना कि दीदी के साथ कुछ हो, मुझसे देखा नहीं जाता है। बाकी लगता है आपको कोई बहू का पुराना सदमा लगा है, पर आप चिंता मत कीजिए, दीदी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा हमारी भांजियों को सताने की कोशिश की, कान तो खुले रहेंगे लेकिन सुनाई देना बंद हो जाएगा। चलो यहाँ से, आओ गाड़ी में बैठो। अवश्य मामा जी। आओ। अरे पंजी, प्रणाम। प्रार्थना, मामा जी, भाई साहब, भाई साहब, मामा जी बात सुनिए, मामा जी बात सुनिए, मामा जी, मामा जी बात तो सुनिए, ये सब भोलेनाथ की लीला है, ये सब भूल गई हैं। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? भैया, अरे भैया, भाभी, प्रार्थना, प्रार्थना। एक एक करके पांच में से चार बहुएं तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी।